प्रभु राम संघ निषाद राज की दुहाई, बात मछुआ आरक्षण पर आएगी। क्योंकि आज भाजपा के चाणक्य अमित शाह ने लखनऊ के रमाबाई मैदान में निषाद पार्टी को साथ लेकर एक भव्य रैली की, जहां अमित शाह ने राम मंदिर निर्माण में अड़ंगा डालने को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला, लेकिन मछुआ आरक्षण को लेकर कुछ नहीं कहा। इसको लेकर निषाद पार्टी के कार्यकर्ता आए थे और अब सवाल बड़ा हो गया है कि क्या बिना आरक्षण का ऐलान हुए निषाद भाजपा को वोट देंगे। भाजपा की नैया, क्या निषाद राज बनेंगे खेवैया? अमित शाह ने दिखाया दम, 22 में फिर खिलेगा कमल। 300 पार का नारा, निषाद वोट का सहारा। 2022 में 300 पार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग को फतेह करने के लिए भाजपा ने अपने सबसे बड़े चाणक्य अमित शाह को मैदान में उतार दिया है। शुक्रवार को भाजपा ने पहली बार अपने सहयोगी दल निषाद पार्टी के साथ ज्वाइंट रैली की। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बजरंग बली की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। लखनऊ का रमाबाई मैदान भाजपा और निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं से पटा पड़ा था, जो बता रहा था कि जिस तरह से त्रेता में भगवान राम के साथ निषाद राज खड़े थे, ठीक उसी तरह 22 में कमल खिलाने के लिए निषाद वोट सबसे ज्यादा जरूरी है। यही वजह थी कि अमित शाह कई बार राम मंदिर का जिक्र करते रहे और सपा बसपा के साथ साथ कांग्रेस पर हमला बोलते रहे। इतने सालों तक प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से किसने रोका? आप सभी को मालूम है, मुझे भी मालूम है, मगर अब जब मोदी जी की सरकार आपने 2/3 बहुमत से बनाई, पूर्ण बहुमत से बनाई, मोदी जी ने कुछ ही समय पहले आकाश से भी ऊंचे गगनचुंबी प्रभु श्री राम के मंदिर की नींव डालने का काम किया है, नींव डालने का काम। इस दौरान अमित शाह ने कई बार पीएम मोदी की तारीफ और ये बताने से नहीं चुके कि जहां पुरानी सरकारों ने 50 साल में सिर्फ 4 काम किए, वहीं मोदी राज में सिर्फ 7 साल में ही कई बड़े काम हो गए। कश्मीर में धारा 370 भी हट गई है, आतंकवाद की सबसे बड़ी जड़ थी देश के अंदर, आज धारा 370 समाप्त। अमित शाह राम मंदिर से लेकर आर्टिकल 370 के मोर्चे पर भाजपा के पक्ष में माहौल बना रहे थे और उनके एक एक बात पर कार्यकर्ता ताली बजा रहे थे, लेकिन मछुआ आरक्षण को लेकर उन्होंने कुछ नहीं बोला। अमित शाह और बीजेपी के जितने लोग हैं सब इसको जीरो बना के गए हैं। ये हमें आरक्षण देने की बजाय, हम तो आरक्षण मान ही नहीं रहे हैं, हमारा केवल इम्प्लीमेंटेशन चाहिए था और बेवकूफ बना के जा रहे हैं कि संविधान की इतनी बड़ी प्रक्रिया है और ये है। ऐसा तो आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। अब अगर जहां हमारे डॉक्टर संजय रहेंगे हम भी वहीं रहेंगे, और आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। उत्तर प्रदेश में निषाद समाज 5% के करीब है, जो मल्लाह, मांझी, निषाद, धीवर, बिंद, कहार, कश्यप के नाम से जानी जाती है। निषाद वोटों के सियासी समीकरण और राजनीतिक ताकत को देखते हुए भाजपा ने निषाद पार्टी के साथ गठबंधन किया है, लेकिन सवाल बड़ा है कि बिना आरक्षण के निषाद समुदाय भाजपा के साथ किस हद तक खड़ा होगा, क्योंकि आरक्षण निषाद समुदाय के लिए सबसे बड़ी लड़ाई है जिसे लंबे समय से लड़ी जा रही है। वहीं सबके बीच निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद पर एक चुभता हुआ तीर अखिलेश यादव ने चलाया। दरअसल अखिलेश यादव लगातार निषाद कार्ड खेल रहे हैं। जब वो उन्नाव गए थे तो उन्होंने मनोहर लाल की प्रतिमा का अनावरण किया था। इसके अलावा अखिलेश फूलन देवी का नाम लेकर भी निषादों को लगातार बड़ा संदेश दे रहे हैं। ऐसे में सवाल बड़ा है कि जिस निषाद राज के सहारे भाजपा 22 में अपनी नैया पार लगाने की कोशिश कर रही है, उसका अंजाम क्या होगा? क्या चुनाव से पहले भाजपा सरकार की तरफ से मछुआ आरक्षण को लेकर कोई बड़ा ऐलान होगा? लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।